नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 अगस्त बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में भाजपा के प्रदेश प्रभारी की कार पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी। जयपुर के पास बस पलटी, 15-20 यात्री हुए घायल। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, जयपुर में हो रहा है मंथन। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में बस और ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत, 2 दर्जन यात्रियों को आई चोटें। जयपुर में कल से शुरू होगी 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। उदयपुर में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की कार पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीती रात को स्याही फेंक दी, काले झंडे दिखाए। राधा मोहन रात करीब 8 बजे महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। इसी दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के बाहर राधा मोहन की गाड़ी को रोक लिया, उनकी कार के सामने बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। गौरतलब है कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया ने कहा है कि जब तक राधा मोहन कांग्रेस के नेताओं को लेकर दिए गए बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे, तब तक वे जहां जहां जाएंगे हम उनका विरोध करेंगे। राजस्थान में जयपुर के पास आमेर अचरोल में आज सुबह सवारियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 15-20 यात्रियों को चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार ये हादसा अचरोल पुलिया के पास हुआ, जब ड्राइवर को झपकी आ गई। राजस्थान में कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। विधानसभा उपचुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए, इसके लिए पार्टी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मंथन कर रही है। पीसीसी में कांग्रेस वॉर रूम में आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बैठक में पार्टी नेताओं ने दूसरे दिन भी विचार विमर्श शुरू कर दिया है। आज सुबह शुरू हुई बैठक में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कांग्रेसजनों से विचार विमर्श किया जा रहा है। कांग्रेस नेता उपचुनाव में पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों के चयन आदि पर विचार कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे दौसा के नेताओं से बातचीत की जाएगी। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में रावतसर के पास बीती रात को एक स्लीपर कोच बस और ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार यह हादसा मेगा हाईवे पर होटल के सामने हुआ। बस श्रीगंगानगर से जयपुर जा रही थी, इसी दौरान बस की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। जयपुर में कल से 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड पर विभिन्न सत्र होंगे। राजस्थान में होने वाली यह अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस है। पीएम मोदी की पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में आज सुबह स्कूली बच्चों से भरी बस बरसाती नाले में पलट गई। आसपास के ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के अनुसार इस स्कूल बस में 2 दर्जन बच्चे सवार थे। गांव चांदोली में खातियों की ढाणी के पास से बस अनियंत्रित होकर बरसाती नाले में पलट गई। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकर्णपुर में आज सुबह मूसलाधार बरसात हुई। बरसात से श्रीकर्णपुर के विभिन्न वार्डों में पानी भर गया, इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। अल सुबह क्षेत्र में तेज बारिश से कस्बे के वार्ड 6, 7 व 8 नेहरू पार्क, रड़ेवाला रोड, पुरानी निरंकारी भवन के नजदीक तथा अन्य इलाकों में 5-5 फीट तक पानी भर गया है। विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर तथा पालिका अध्यक्ष रमेश बंसल ने विभिन्न वार्डों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किए कि जल्द से जल्द पानी की निकासी की जाए। राजस्थान मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज दोपहर 3 बजे जयपुर में सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी। बैठक में इन्वेस्टमेंट समिट पर चर्चा होगी, साथ ही उद्योग, मेडिकल टूरिज्म सहित कुछ नीतियों को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पर भी विचार हो सकता है। इसके अलावा तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर भी चर्चा की संभावना है। बैठक में आंकड़ों विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना की प्रगति, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा होगी। समिट से पूर्व रोड शो, विदेश दौरे सहित अन्य कार्यक्रमों का अनुमोदन हो सकता है। साथ ही अन्य कई नीतियों के प्रारूप का भी अनुमोदन संभव है। सूत्रों के अनुसार बैठक में स्थानांतरण पर से प्रतिबंध हटाने पर भी चर्चा की संभावना है। राजस्थान के जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइप लाइनों के रखरखाव के लिए 31 अगस्त को जोधपुर शहर में जलापूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र व्यास ने बताया कि कायलाना, चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े सभी क्षेत्रों में 31 अगस्त की जलापूर्ति 1 सितंबर को और 1 सितंबर की जलापूर्ति 2 सितंबर को होगी। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर फ्यूल सरचार्ज का तगड़ा झटका लगेगा।
डिस्कॉम्स ने करीब 5000 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर ली है, जो सितंबर के बिल से शुरू हो जाएगा। इसमें अडानी को फ्यूल के लिए दिए गए करोड़ों रुपयों की वसूली स्पेशल फ्यूल सरचार्ज की गणना 23 माह बाद बदल दी गई है। जनवरी से मार्च के बजाय अब पूरे साल भर में बिजली खपत के औसत यूनिट के आधार पर सरचार्ज निकाला जाएगा। इससे ज्यादातर घरेलू उपभोक्ताओं पर भार पड़ेगा। ऐसे उपभोक्ता भी होंगे जिन्हें पैसा लौटाना भी पड़ेगा। बीकानेर में सोशल मीडिया पर मादक पदार्थ का प्रचार करने के आरोप में गिरफ्तार शेरनी नाम से मशहूर दो युवतियों में से एक युवती 5 दिन से लापता है। लड़की के परिजनों ने बीकानेर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस 5 दिन बाद भी लड़की का सुराग नहीं लगा पाई है, बल्कि उन्हें ही परेशान कर रही है। सोशल मीडिया पर बीकानेर की शेरनी नाम से मशहूर सोनू राज पुरोहित और उसकी मां ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बेटी मोनिका पिछले 5 दिनों से गायब है। पुलिस उसे खोजने की बजाय उन्हें ही परेशान कर रही है। सोनू ने बताया कि उसकी बहन को कुछ लोगों से जान का खतरा है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में गत दिनों रिश्वत लेते पकड़े गए पुलिस थानाधिकारी और पुलिस चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि गत दिनों एसीबी ने भूंगड़ा थानाधिकारी गणपत लाल वसीटा और माही डैम चौकी प्रभारी राजेंद्र कुमार डामोर को 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। थानाधिकारी और चौकी प्रभारी ने परिवादी और उसके चचेरे भाई को मोबाइल चोरी के झूठे केस में पुलिस फंसाने की धमकी देकर 15,000 रुपए मांगे थे। अब इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है। राजस्थान में बरसात से खराब हुई सड़कों को ठीक करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रोड मेंटेनेंस कैंपेन चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कैंपेन के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और कामों को निर्धारित अवधि में पूरा करवाया जाए। दिया कुमारी ने बताया कि कैंपेन के दौरान सड़क मरम्मत कार्यों के साथ दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव प्रस्ताव के तहत निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने की योजना के अंतर्गत जनवरी 2025 में होने वाले पंचायत चुनाव लगभग 6 से 8 महीने के लिए टाले जा सकते हैं। राजस्थान सरकार प्रस्तावित एक राज्य एक चुनाव विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश करने से पहले एक समिति का गठन कर सकती है, जो एक साथ चुनाव कराने की तकनीकी पहलुओं पर विचार करेगी और ड्राफ्ट विधेयक तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त समिति पंचायत प्रमुखों के कार्यकाल पर भी चर्चा करेगी। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान से 19 जुलाई को भारतीय सीमा में आई 250 बकरियां बीएसएफ के लिए सिरदर्द बन गई है। इन बकरियों को कस्टम अब नए नियम में ले नहीं सकता है। ऐसे में बीएसएफ के जवान नीलामी प्रक्रिया तक इन बकरियों की देखरेख के लिए मजबूर हैं। भारत पाक पश्चिमी बॉर्डर के धनाऊ क्षेत्र के सरूपे का तला और मिये का तला के बीच तारबंदी कटने के बाद भारतीय सीमा में पहुंची पाक की 250 से अधिक बकरियों को बीएसएफ ने पकड़ लिया था। बीएसएफ का दावा है कि 0 पॉइंट तक पाकिस्तानी चरवाहे ध्यान नहीं देते हैं। ये समस्या लंबे समय से चल रही है। ऐसी स्थिति में बकरियों को जब्त कर लिया गया था। अब 1 माह से बकरियां बीएसएफ के जवानों की देखरेख में हैं। अब इन्हें नीलाम कर बेचने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं हो पाए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।